जालौर के सुराणा में मासूम छात्र की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री गोलमा देवी पीड़ित परिवार के घर पहुंची, जहां पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और 1,00,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी है। वहीं मांग नहीं मानने पर गोलमा देवी ने धरना देने की चेतावनी दी है। और नहीं दोषी को सजा होनी चाहिए और न्याय दिया, हम धरना देकर बैठेंगे। देखो ये सरकार, जब मैं बुलाई ना से महुआ से गांव से, जब रातर उठ आई हूँ, जब मैं आई हूँ यहाँ ब्यावा नहीं दिया साहब, तो मेरा बाप तू हो या सरकार देंगे। मैं भी सरकार मंत्री रह ली हूँ, पहले मैं दिला के छोड़ूंगी, नहीं देंगे मैं धरना दूंगी।